मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। इस गाड़ी में मौजूद मर्द और औरत आखिर कौन है? इनकी मशकूक हरकत देखकर मालूम होता है कि इनके इरादे ठीक नहीं हैं। इन्होंने सूटकेस और शॉपर में कुछ डालकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आखिर क्या फेंका है? चंद माह पहले लाहौर में होने वाला ये लर्जा खेज वाकया, जब सुबह हुई तो मुख्तलिफ थानों की पुलिस को मुख्तलिफ लोगों की जानिब से फोन कॉल रिसीव हुई, तब जाकर राज खुला। हेलो, वो क्या सरदार, कहीं आग लग गई है? बेल पे बेल दिए जा रहा है, वॉशरूम में था। बोलो क्या हुआ? क्या लगता है होश में नहीं हो तुम? तू है किधर? पास है तो थाना आ जा जल्दी से। ठीक है सर, मैं थाने पहुंच रहा हूं। सर सर, वायरलेस पर पैगाम चला है कि पार्क के करीब एक मशकूक सूटकेस पड़ा है। सर क्या है उसमें, ये नहीं बताया उन्होंने? नहीं सर, जो पैगाम चला है वो बता दिया सर आपको। भाई कोई तो बंदा होगा उधर आसपास, जाने से पहले फोन करके पूछ ले। सर कौन होगा वहां पे, मैं खुद ही चला जाता हूँ सर। हाँ ठीक है, ऐसा करोगे अफजल को अपने साथ ले जाओ और जाते हुए बम डिस्पोजल वालों को इतला देना, हालात काफी खराब है। जी सर। सर जी बहुत बुरा देखा है मैंने। क्या देख लिया? अल्लाह माफ करे, एक कुत्ते के मुंह में किसी का बाजू था, वो सड़क पर घसीटता हुआ उसे झाड़ियों में ले गया। कहाँ देख लिया तुमने ये सब कुछ? यहाँ से थोड़ी दूर जहाँ प्लाट खाली है, था भी औरत का बाजू, नाखूनों पर नील पॉलिश के निशान लगे हुए थे। चलो आओ मेरे साथ। पुलिस अहलकार जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें यहाँ इंसानी जिस्म के आजा मिले। जायजा लेने पर पता चला कि ये आजा किसी खातून के हैं, लेकिन इसकी शनाख्त बेहद मुश्किल थी। इस खातून को यकीनी तौर पर कत्ल करने के बाद इसके जिस्म के मुख्तलिफ टुकड़े करके मुख्तलिफ इलाकों में फेंक दिए गए। पुलिस ने शनाख्त को मुमकिन बनाने के लिए इन आजा को हस्पताल मुंतकिल किया और उसके बाद फिंगरप्रिंट्स लिए और लाश को सरखाने मुंतकिल कर दिया। अफजल बोलो बेग को। सर वो सूटकेस में एक बॉडी मिली है सर, बड़ी स्मेल आ रही है सर, लगता है रात को कोई फेंक गया यहाँ पे। औरत का धड़ है सर। जी सर। नहीं सर, ना टांगे हैं, ना बाजू है और ना ही सर है सर, सिर्फ धड़ है सर। जी सर। सर मैं एम्बुलेंस मंगवा के बॉडी भेज देता हूँ सर। जी सर। ओके सर। अफजल एम्बुलेंस को फोन करो। आलू ला, मेथी ला, गाजरा ला, मटर ला। आलू ला, मेथी ला, गाजरा ला, गोभी ला, किया तोरी ला। आलू ला, गाजरा ला, मटर ला, शलजम ला, मेथी ला। ये आलू कैसे है? आलू 40 रुपए किलो और गाजर 30 रुपए।
अच्छा ऐसा कर आलू मटर ही दे दे, ये पका लेती हूँ आज। तो रोज की मुसीबत है ना, तो सब कुछ बताते हो ना ही बात। आजकल किरण बाजी नजर नहीं आ रही, क्या उनकी तबीयत तो ठीक है? क्यों, उससे क्या होना था, छोड़ गई है इधर से। वैसे तुझे क्या काम पड़ गया उसके साथ? तो मुझे क्या काम पड़ना उससे, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। चल जल्दी कर। क्या बनाया टिकट का, बुकिंग होगी क्या? यार बताया तो था तुम्हें, लाहौर से मॉन्ट्रियल की सीट थी। हाँ वो क्लाइंट ने ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी। एक सेकंड होल्ड करना। जमीला, जमीला, जमीला। जी साहब जी। कहाँ रह गई थी तुम? वो साहब जी सब्जी लेने गई थी। पानी का ग्लास लाओ एक। अच्छा ठीक है। जमीला से किरण नाम की जिस खातून के बारे में इलाके में आने वाला सब्जी फरोश पूछ रहा था, वो कौन है? वो इसी घर की साबिका मुलाजिमा है। दूसरी जानिब पुलिस शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली टुकड़ों की सूरत में खातून की लाश के बारे में मुसलसल तफ्तीश कर रहे थे कि वो कौन है और उसका ताल्लुक कहाँ से है, आखिर किसने उसके साथ इतना भयानक सलूक किया। किया था परसों फोन, बोल रही थी एक दो दिन तक आऊंगी। नहीं आएगी वो। कितने अरसे से सब्जी बेच रहे हो इस इलाके में? जी कोई 7-8 साल हो गया जी। इसमें लाश थी उसमें से ये टैग मिला है सर। इसका मतलब है कि सूटकेस के साथ किसी ने जहाज में सफर किया है। जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। पता कराओगे ये बंदा कौन है और इसका एड्रेस क्या है? जी सर। हरिया मेरे ट्रांसफर का क्या हुआ? तुम कह रहे थे कि डिप्टी सेक्रेटरी से बात करूंगा। बात तो तब होगी ना जब वो मुल्क में होंगे, वो कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं। रोज सुबह लाहौर से उकाड़ा जाना, फिर वहां से रात को वापस आना, मुझसे नहीं होता ये सबब। यार प्रमोशन लिया है तो ट्रांसफर तो होना ही था। सबर करो थोड़ा, वापस आ जाओगी। ट्रेवल एजेंसी चला रहे हो, बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक है, मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते? कह दिया ना हो जाएगा। मेरे बस में हो तो अभी कर दो तुम्हारा ट्रांसफर। जब से सुना है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से औरत के टुकड़ों में लाश मिली है, रूह कांप जाती है। क्यों भाई, तुम्हारी रूह क्यों कांप जाती है? किसी दिन मेरी भी ऐसी ही खबर ना आ जाए, ड्राइवर लाता और लेके जाता है मुझे, किसी का क्या भरोसा। इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है, जिसके टुकड़े मिले हैं उसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा। उस बेचारी के साथ जो होना था वो तो हो गया, अगर उसका कोई आगे पीछे होता तो क्या होता, बचा लेता उसे। वैसे एक बात है, जमीला ने कितने अच्छे घर में ठहराया ना हमें। अबे तुझे घर की पड़ी है, भाड़ में जाए घर। जमीला का पता करो कहाँ गायब है, अब तो उसका फोन भी नहीं आ रहा।
किया था परसों फोन, बोल रही थी एक दो दिन तक आऊंगी। नहीं आएगी वो, हमने घर वापस भी जाना है। उससे पूछो कि हमारे काम का क्या बना। अभी पता नहीं उसने अपने साहब से बात की है कि नहीं। यही तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ, लगाओ उसको फोन। सुबह तक ठहर जाए, शायद उसका फोन आ जाए, वरना कर लेंगे सुबह। आगे से बटर बटर किए जा रही है, उसको फोन नहीं लगा रही। अबे तेरे सोचने सोचने में ना टाइम निकल जाएगा, हम इधर बैठे के बैठे रह जाएंगे। जी जी हाँ, करवाए बात। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर सिर्फ हेड मिसिंग है, बाकी बॉडी पार्ट्स मिल चुके हैं। अच्छा सर। जी सर। मकतूला का नाम किरण है सर, ये है किधर की सर? अच्छा सर। जी सर, तफ्तीश हो रही है सर। सर जिस सूटकेस में से बॉडी मिली थी उसके अंदर से जहाज का एक टैग भी मिला था। पता लगा रहे हैं सर कि वो किसका है? जी सर, वो मैंने भिजवा दिया था आपकी तरफ। ठीक है सर। ओके सर। अबे देख लो तुम, सुबह से दोपहर हो गई है, अभी तक जमीला का कोई फोन नहीं आया। अब क्या प्रोग्राम है? अरे कर लेती हूँ फोन, मेरा क्या प्रोग्राम होना है? तो जल्दी करो ना, मेरा मुंह क्या देखे जा रही है तू? मिलाओ उसको। हेलो। हेलो, कैसी है जमीला? किधर गायब है? मैंने कहाँ जाना है, इधर ही हूँ लाहौर में। खैरियत है, इसका फोन किया? अरे वो मोहसिन पूछ रहे थे, कह रहे थे क्या हुआ हमारे काम का। कहा तो है मैंने काम से, कह रहे थे दो चार दिन ठहर जाओ। अरे हमने वापिस जाना है, बच्चे छोड़कर आए कराची में मम्मी के पास। खैर है, थोड़ा तो ठहरो ना, मैं आज फिर बात करती हूँ। रहने और खाने का तो कोई मसला नहीं है ना? नहीं वो तो कोई मसला नहीं है, सगीर हमारा बहुत ख्याल करता है, लेकिन बस तो ठीक है ना, मैं अभी फोन करके सगीर को कह देती हूँ, किसी चीज़ नहीं होने देगा। बस आज बात कर लेना तुम, हम लोग ज्यादा दिन नहीं ठहर सकते इधर। वो तो कर लूंगी, मैं कहती हूँ कराची से आया तो एंजॉय कर लो, पता नहीं कब आना हो। उसको बोल दो हमने एंजॉय करना था जो कर लिया, अब ज्यादा देर नहीं ठहर सकते इधर। सुन रही हो ना क्या बोल रहे मोहसिन भाई, हमें दो दिन के अंदर अंदर वापिस भिजवा दो। अच्छा अच्छा ठीक है। दोनों मियां बीवी असल में जमीला के जानने वाले थे, जिसे उसने शायद किसी दावत पर लाहौर बुलाया था, लेकिन यह दावत थी किस चीज की यह शायद सिर्फ उन्हें ही मालूम था। दूसरी जानिब पुलिस ने सूटकेस से मिलने वाले टैग की मदद से मुसाफिर का पता चला लिया था, जिसका नाम नवाजिश था और वो लाहौर के एक पोश इलाके का रिहायशी था। इसके बाद पुलिस की जानिब से हवालदार मजीद मालूमात हासिल करने के लिए उस इलाके में रवाना हो गया। आलू ला मुंगरे ला मेथी ला गाजर ला, आलू ला मुंगरे ला मेथी ला मटर ला। भाई क्या नाम है तेरा? जी निसार साहब। जी कितने अरसे से सब्जी बेच रहे हो इस इलाके में? जी कोई 7-8 साल हो गए हैं जी। इस इलाके से कोई औरत तो गायब नहीं हुई? मेरा मतलब है हफ्ता 10 दिन से किसी को ना देखा हो। औरत? हाँ साहब जी, वो सामने वाली जो कोठी है ना जी, इनकी मुलाजमा ने देखी जी। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी उम्र जी कोई 24-25 साल थी जी। पता नहीं चला किधर गई वो।
कहते हैं जी वो छोड़कर चले गई है, पर साहब जी ये नहीं पता कहाँ गई है। किसकी कोठी है ये, नाम पता है तुम्हें? जी नवाज साहब की कोठी है जी। और वो जो मुलाजमा थी उसका नाम पता है? हाँ जी, वो रोज मुझसे सब्जी लेती थी जी, किरण नाम है उसका। चल ठीक है, लेकिन एक बात सुन ले, ये बात करनी नहीं तूने किसी से। अच्छा साहब जी। साहब जी, मेहमानों ने वापिस जाना है, पैसे देने हैं उनके, कब का कहूं उनको? ऐसा बोलो, दे देते हैं पैसे। क्या उन्होंने आज ही जाना है? जी साहब जी, पैसे दे दिए तो वो आज ही वापिस चले जाएंगे। 50,000 दिए थे ना, बकाया 1.5 है। हाँ जी, कल तुम्हें चेक दे देता हूँ, कैश करा लेना। हाजिर आप बेगम साहब, ऐसे बच के उनके सामने बात ना करना। ठीक है साहब जी, मैं उन्हें अभी फोन करके बता देती हूँ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली लाश के टुकड़ों के फिंगरप्रिंट्स की मदद से पुलिस ने यह पता लगा ही लिया कि ये इंसानी आजा किसी और के नहीं बल्कि उसी नवाजिश की मुलाजमा किरण के हैं। इसके बाद पुलिस ने नवाजिश से मजीद मालूमात हासिल करने के लिए रुख किया उसके घर का, जहां पुलिस ने उससे मजीद तफ्तीश की। पहले तो उसने इस सारे वाकये से लाइल्मी का इजहार किया, मगर फिर पुलिस को कुछ ऐसी बातें बताईं जो पुलिस के लिए इंतहाई हैरानकुन थी। देखिए नवाज़ साहब, अखबारों में, मीडिया में, हर जगह पर खबर आई थी। हैरत है कि आपको पता ही नहीं है। जी नहीं, बस अपनी अपनी मसरूफियत होती है, नहीं पता चला। अब क्या हो सकता है? हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन अगर आप तावन करें तो। जी पूछें, क्या तावन चाहिए मेरा? ये तो आपने मान लिया कि किरण आपकी मुलाजमत थी, जो चंद रोज पहले मुलाजमत छोड़कर चली गई थी। जी बिल्कुल ऐसे ही। उसकी मुलाजमत छोड़ने की वजह क्या थी? जी वो कहती थी कि मैंने अपने गांव वापस जाना है, शायद उसकी शादी का इरादा था। ये बात उसने खुद आपसे की थी? जी नहीं, मैं मुलाजमत से ज्यादा फ्री नहीं होता। ये बात हमें हमारी दूसरी नौकरानी जमीला ने बताई थी। देखिए, जिस सूटकेस में से उसकी बॉडी मिली थी उसके अंदर से एक फ्लैट टैग मिला था, जिसके जरिए हम आप तक पहुंचे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो जाते हुए मेरा सूटकेस भी साथ ले गई थी। तो आपको इस बात का इल्म ही नहीं है? जी नहीं, शायद जमीला ने दे दिया हो मुझसे पूछे बगैर। बुलाएंगे जरा आप उसे। आए हैं तो उससे भी पूछ किछ कर ही ले। जी अच्छा, मैं पता करता हूँ। तुमने उसे पैसों का क्यों कहा है? रोज मुझे फोन करके तंग करती है वो। वरना उसने घर से नहीं जाना था साहब जी। अबे तुझे कैसे पता चला कि वही आया? जमीला भी तो हो सकती है। मुझे क्यों बुला रहे हैं साहब जी? तफ्तीश क्यों कर रहे हैं किरण के कत्ल के केस की? पर मैंने क्या किया है? सुनो तो सही क्या कहते हैं, जरा ध्यान से जवाब देना।
पता तो चले कि ये सारा ड्रामा हो क्या रहा है घर में। पुलिस कहती है कि जो चंद रोज पहले लाश के टुकड़े मिले थे उसकी शनाख्त किरण के नाम से हो रही है। तो इससे हमारा क्या ताल्लुक है? तुमने पूछा नहीं उनसे? हमारी मुलाजमा जो थी इसलिए आई है पुलिस हमारे पास। तो तुमने बताया नहीं कि 10-12 दिन पहले वो छोड़ के जा चुकी है इधर से? और दूसरी बात, पुलिस को किसने बताया कि वो हमारी मुलाजमा थी? मुझे क्या मालूम हो, किसी ना किसी ने तो बताया होगा ना। जो भी है, इलाके में बदनामी नहीं करानी मैंने। उनसे कहो अगर उन्हें शक है तो जमीला को थाने साथ ले जाए, वहां पे जो पूछ रहे पूछे। अच्छा पूछता हूँ। जमीला के बार बार बयान बदलने पर पुलिस को उस पे शक हो गया। बिलवास्ता या बिलावास्ता उसका इस कार्रवाई से कोई ताल्लुक जरूर है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जमीला की किरण के साथ दुश्मनी क्या थी? पुलिस को एक और शक था कि जमीला ये कार्रवाई अकेले नहीं कर सकती। यकीनन उसके साथ इस कार्रवाई में कोई और भी शामिल है, लेकिन वो कौन है? दूसरी जानिब नवाजिश के कहने पर पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले आई, जहां पर उसने पुलिस को बताया। अच्छा तो तुम्हारी उससे कोई जाती दुश्मनी नहीं थी? तुमने जो कुछ भी किया नवाजिश के कहने पर किया था। जी सर। मगर नवाजिश को क्या जरूरत थी अपनी मुलाजमा को कत्ल कराने की, और वो भी वो मुलाजमा जो नौकरी छोड़कर जा चुकी थी? दोनों के आपस में तल्लुकात हो गए थे जी, इसीलिए। फिर गलत बयानी कर रही हो तुम। अगर दोनों के तल्लुकात थे तो उसने उसे जाने क्यों दिया? नवाजी साहब से तल्लुकात का वो नाजायज फायदा उठाने लग गई थी, ब्लैकमेल करने लग गई थी उनको। मेरी जिंदगी खराब करके अब कहते हो चली जाओ इधर से? मैं नहीं कहता, तुम कहलवाती हो मुझसे। क्या कहा मैंने तुम्हें? जो कहते रहे मैं मानती रही हूँ। तो फिर ये ब्लैकमेल क्यों करती हो? मैं तुम्हारा ख्याल नहीं करता क्या? जो हकीकत है वही बताई है तुम्हें, मेरा और तो किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो मैंने तुम्हें कहा था कि 1-1.5 लाख ले लो, इससे ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। क्या करूँगी इतनी सी रकम का मैं, मेरे किस काम आएगी ये? फिर 10 लाख भी नहीं दे सकता मैं तुम्हें। जाओ कर लो जो करना है। अगर ये बात है तो ठीक है, मैं सारी बात बेगम साहिबा को बताती हूँ, फिर वो जो फैसला करेंगी मुझे मंजूर होगा। करके देखो जरा तुम उससे बात। उसके बाद तुम नजर आ गई तो मुझसे कहना। क्या कर लोगे, मरवा दोगे मुझे? चलो कोशिश कर लो, मैं औरत जरूर हूँ लेकिन डरती नहीं हूँ। मैं कहता हूँ निकल जो इसी वक्त इस घर से। ना तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे और ना ही मैं तुमसे निकाह करूंगा, निकल जाओ। असल बात तुम अभी तक छुपा रही हो, बहुत बुरा हश्र करूंगा झूठ बोलोगी तो। मैं कुछ नहीं छुपा रही साहब जी। नवाजिश ने तुम्हें आवाज क्यों दी थी जब मामला उन दोनों का था? इसलिए कि मैं उसे समझाऊं ताकि वो बात बेगम साहिबा तक न पहुंचा दे। और बेगम साहिबा घर पे नहीं थी? जी नहीं, वो सुबह उकाड़ा जाती थी सरकारी नौकरी के लिए और रात को वापस आती। फिर तुम्हारे समझाने पर क्या कहा उसने, मान गई वो? पहले तो नहीं मानी, बहुत जिद्दी थी। फिर मान गई एक शर्त पर। Thank you.
ये समझता है मैं अनपढ़ हूँ, मुझे उल्लू बनाएगा, लेकिन अब मैं उसे उल्लू बनाऊंगी। देख वो पैसे वाला है, हम ठहरे गरीब लोग, कहाँ तक लड़ेगी तो उसके साथ? आखिर तक लड़ूंगी उससे, जेल की हवा भी खिलाऊंगी और पूरे इलाके में बदनाम भी करूंगी उसे। अच्छा अच्छा आहिस्ता बोल, आवाज बाहर जाएगी। अभी तो मेरी आवाज निकली नहीं है, उसने जो कुछ मेरे साथ किया तू भी गवाह है। ये देख हाथ बांधती हूँ तेरे आगे, मुझे तो ना लेके आ बीच में। क्यों ना लूं, तू भी उसी के साथ मिली हुई है, तुम और वो दोनों एक ही हो। अच्छा देख, तू ये 10,000 रख ले और फिलहाल तू गांव चली जा। मुझे नहीं चाहिए 10,000, 10,00,000 लूंगी मैं उससे, बेगम साहिबा को भी बताऊंगी और थाने में पर्चा भी कटवाऊंगी। अच्छा देख, तू ये 10,000 अभी रख ले, किराया ही समझ ले, बाकी फिर बाद में देखा जाएगा। उसे कह देना या तो 10,00,000 दे दे मुझे, नहीं तो निकाह पढ़वा ले मुझसे, नहीं तो छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। अच्छा चल ठीक है, तू बैठ, मैं बात कर आती हूँ। जमीला के अगले बयान के मुताबिक उसने नवाजिश से बात की, जिसने उसे 10,000 रुपया देकर उसे चलता करने को कहा। जमीला ने किरण को 10,000 रुपए दिया और गांव जाने का कहा, ये कहकर कि बाकी रकम भी अदा कर दी जाएगी। उस वक्त तो किरण गांव चली गई, मगर गांव जाने के बाद उसने वहां से मुसलसल फोन करके बाकी रकम का मुतालबा करना शुरू कर दिया और ये भी धमकी दी कि अगर रकम नहीं दी जाएगी तो वो पुलिस भिजवा दे। क्या बकवास कर रही है तुम? अभी नहीं है मेरे पास इतने पैसे, कहां से दूं तुम्हें पैसे? जब होंगे दे दूंगा, आइंदा मुझे फोन ना करना। सुना जमीला, जमीला, जमीला। जी साहब जी। तुमने उसे पैसों का क्यों कहा है? रोज मुझे फोन करके तंग करती है वो। वरना उसने घर से नहीं जाना था साहब जी, उसे तो मैंने निकालने के लिए कहा था। पीछे ही पड़ गई है चुड़ैल। एक काम हो सकता है। क्या साहब जी? उसका काम तमाम नहीं हो सकता। अगर तुम मेरा यह काम करवा दो जमीला, तो मैं उसे 2,00,000 देने की बजाय तुम्हें 2,00,000 रुपए दे दूंगा। साहब जी, फिर मैंने अपने जानने वाले मियां बीवी को फोन कर कराची से यहाँ बुला लिया। अच्छा, रखा कहाँ था उनको? मेरे गांव का लड़का है सगीर, वो एक कोठी में अकेला रहता है, उसके मालिक बाहर गए हुए हैं उसी के पास। और अब कहाँ है वो? इधर ही है जी, कल उनको बकाया देने का वादा किया था, उन्होंने कराची वापस जाना। कितने दिए थे और कितने बाकी हैं? 20,000 दिए थे, 40 बाकी रह गए। और लिए तुमने 2,00,000 थे, सगीर को भी हिस्सा दिया होगा। अच्छा ये बताओ कि किरण को गांव से कैसे बुलाया? फोन कर बुलाया था, उसे मैंने कहा था कि नवाजी साहब ने बकाया पैसे दे दिए, आकर ले जाओ। अगले रोज वो सगीर के घर ही आ गई। पुलिस ने एक जानिब जमीला से अपनी तफ्तीश को जारी रखा और दूसरी जानिब उसी रात किरण के कत्ल के असल मुलजिम नवाजिश को गिरफ्तार कर लिया। अगली सुबह एक पुलिस पार्टी सगीर और दोनों मियां बीवी को गिरफ्तार करने के लिए उनकी कोठी की तरफ रवाना हो गई, जहां वो सब रकम वसूल करने के बाद फरार होने की तैयारी कर रहे थे। अरे वापसी के लिए टिकटें तो बुक करवा लो ट्रेन की, सुबह जाना नहीं है क्या? अबे तुझे टिकटों की पड़ी है, मुझे पैसे की पड़ी है। अगर जमीला ने पैसे ना दिए तो क्या करेंगे? वो भी देखा जाएगा, पहले सीटें तो बुक करवा के आओ, कल नहीं मिलेंगी। पहले खाना तो खा लूं, काफी देर से सगीर गया खाना लेने, अभी तक वापस नहीं आया। देख लेना कहीं वो गायब तो नहीं हो गया। अभी कहाँ गायब होगा, इधर ही होगा, आ जाएगा।
जिस सूटकेस में तुमने मकतूला का जिस्म डालकर फेंका था उसका पता था कुमार को? जी नहीं, मैं इनसे छुपा कर ले गई थी। अगर ये मुझे बता देती तो मैं इसे कभी ना लेके जाने देता। होशियारी तो तुमने भी बड़ी की थी, मगर अफसोस कि तुम्हारे काम नहीं आई। मारने के बाद उसके टुकड़े किए थे? जी नहीं, पहले उसे नशा पिलाकर बेहोश किया था, उसके बाद उसके मुंह पे तकिया रख के उसे मार दिया। जब उसे मार ही दिया था तो फिर टुकड़े क्यों किए? मैंने सिर्फ मारने का कहा था, टुकड़े करने का नहीं। चुप! बड़ा मासूम बन रहा है। हाँ बोलो। सगीर ने कहा था कि टुकड़े कर फेंक देते हैं, पता नहीं चलेगा कि कौन है। लेकिन पता तो फिर भी चल गया, पकड़े तो फिर भी गए, अब पैसे किस काम के? बस गलती हो गई साहब जी। अच्छा जाओ जाके दरवाजा खोलो, ले आया वो मनहूस आदमी खाना। अबे तुझे कैसे पता चला कि वही आया? जमीला भी तो हो सकती है। अरे बाबा जो भी है जाके दरवाजा खोलो, बातें किए जाओगे बैठे बैठे। खोलता हूँ। किरण के कत्ल में मुलव्विस तमाम मुलजिमान पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं। अब उन पर केस भी चलेगा, उनको सजा भी होगी, लेकिन किसको क्या सजा मिलती है इसका फैसला बाद में होगा। एक फैसला हमें अभी करना है, सोचना है आखिर इस केस में असल गुनहगार कौन है, किरण के कत्ल की मंसूबाबंदी करने वाला नवाजिश या फिर नवाजिश को पैसों के लिए ब्लैकमेल करने वाली खुद किरण, या फिर पैसों की लालच में आकर नवाजिश की इस मंसूबाबंदी को अमली जामा पहनाने वाली जमीला, या उसके तीन साथी, या फिर ये सब। असल गुनहगार कौन है इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को तो खामोश हरगिज ना रहे, क्योंकि याद रखिए किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म है। बोलिए, हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें, हमारा अकाउंट है facebook.com/gunahgar kaun। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।